मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम भारत माता की जय भारत माता की जय। पालीगंज से माले विधायक संदीप सौरभ ने सदन में भी आपकी बात को उठाया और आपके रिहाई की मांग को लेकर उन्होंने 1 मार्च को एक पदयात्रा भी निकालने की बात कही है गांधी मैदान से, इसको लेकर के आपकी क्या राय रहेगी? देखिए, जहां तक मुझे पता चला है मित्रों के द्वारा, जब मैं बाहर निकला हूं तो बिहार का कोई भी नेता विधायक ने हम लोग के डिमांड पे बात नहीं कही है और न ही रिहाई की मांग की है। ये उन लोगों की अब क्या है हम तो नहीं कह सकते, लेकिन मुझे यहाँ तक अभी मित्रों के द्वारा पता चला है कि बिहार का सिंगल कोई भी एक नेता ऐसा नहीं है जिसने हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप हमारे लिए रिहाई की मांग कीजिए, नहीं, आप दिलीप कुमार को और जेल में बंद कर दीजिए, आप मांग कीजिए विधानसभा में, हम तैयार हैं, लेकिन जो हमारा डिमांड है उस पर आप विधानसभा में बहस कीजिए, उस पर आप मीडिया में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, हम वो चाहते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि दिलीप कुमार को रिहाई की बात कीजिए, अरे न्यायालय से हमको मिल गया न्याय, हमारे दोस्त लोग लगे हुए थे, बिहार के छात्र लगे हुए थे, कोई बिहार का नेता नहीं आया हम लोग को छुड़ाने के लिए, ना हालचाल जानने के लिए, सब गंदी राजनीति करता है, युवाओं की राजनीति करके और युवाओं को ही जेल में डालने का षड्यंत्र रचता है, सभी नेता शामिल है इसमें, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष, कोई भी एक नेता हम लोग के लिए आगे नहीं आया। हम तो इतना कहते हैं कि सिर्फ एक बार हमारा जो डिमांड है उसको विपक्ष का नेता, विधायक, कोई भी मीडिया के सामने सिर्फ उस डिमांड को पढ़ के सुना दे, हम इतना चाहते हैं, क्योंकि उन लोग के पास मीडिया का बल है, हम लोग मीडिया को बुलाएंगे भी तो राष्ट्रीय चैनल नहीं आएगा, लेकिन उन लोग के पास आता है, तो वो लोग एक बार सिर्फ उस डिमांड को पढ़ के सुना दे, बस इतना हम चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते हैं। हमको अपने लिए रिहाई की मांग इन नेताओं से हम नहीं करते हैं। जो नेता दिन भर घुसखोरी में लगा रहेगा वो हमारे जैसे ईमानदार लोगों को बाहर निकालने की मांग करेगा, आपको लगता है क्या? कभी नहीं ऐसा होगा। अगर ऐसा होता, अगर बिहार का नेता ईमानदार होता तो आज दिलीप कुमार और बबलू कुमार 15 दिन तक जेल में नहीं रहता। जेल में 15 दिन तक हम दोनों इसलिए थे क्योंकि हम लोग ईमानदारी और सच्चाई के साथ काम कर रहे हैं, और बिहार का सारा नेता चमचागिरी और लूट खसोट में लगा रहता है, उन लोगों को ईमानदारी से मतलब नहीं है, इसलिए वो लोग कभी रिहाई की मांग नहीं किए। लेकिन इतना कह देते हैं कि बिहार का छात्र अब जाग चुका है और किसी नेता के बहकावे में नहीं आएगा और चाहेगा कि हम बहका के फुसला के यूज कर ले, गलत इस्तेमाल कर ले, अब संभव नहीं है। चलिए, तो दिलीप और बबलू थे हमारे साथ, अभी अभी छूट कर आए हैं और बेल मिल गया है इन्हें, आगे इस केस की प्रोसीडिंग कैसी होती है वो भी हमारे नज़र में रहेगा। और दिलीप के साथ जो छात्र आंदोलन है, जो छात्रों की मांग है, वो भी आप लाइव बिहार के माध्यम से देखते रहेंगे, हम इनके साथ खड़े रहेंगे आगे इस आंदोलन में भी, और आपके ज़रूरत की बातें और इन मुद्दों को उठाते रहेंगे। आप लाइव बिहार के साथ बने रहें, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक ज़रूर करें।